नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और मेरे 75 हार्ड YouTube वीडियो अपलोडिंग चैलेंज के डे 29 में आपका स्वागत है। तो 75 दिन तक रोज एक वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल रहा हूं, जिसके अंदर हम फिल्म मेकिंग की बात करेंगे। हमने सिनेमाटोग्राफी की बात की, इससे पहले कलर ग्रेडिंग की बात भी की है, VFX, एनिमेशन की और भी वीडियोज़ आएंगी। AI के ऊपर हमने काफ़ी वीडियोज़ बनाई है, अगर आप यहाँ पर मेरे चैनल पर वीडियोज़ पर जाकर के देखेंगे। रिसेंटली मैंने ये वीडियो भी बनाई थी, कैसे आप नॉर्मल किसी वीडियो को लेकर के डांस करते हुए व्यक्ति जो है उसको आयरन मैन या स्पाइडर मैन में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेम डांस वो आप कैरेक्टर से करवा सकते हैं। और क्योंकि मैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ला रहा हूँ इसके ऊपर, तो लास्ट में मैंने टीज़र के ऊपर भी एक ट्रेलर के ऊपर रिएक्शन दिया है। ये सब फिल्म मेकिंग से रिलेटेड है। आज मैं थोड़ा सा और एक नई चीज़ कर रहा हूँ, आप लोगों के भेजे हुए काम को रिव्यू कर रहा हूँ। लास्ट टाइम जो मेरा लाइव हुआ था उसके अंदर मैंने अपने ही चैनल के एक मेंबर जो हैं उनके द्वारा बनाया गया, मैंने यहाँ पर थंबनेल यूज़ किया था ये वाला, तो मेंटल मैडनेस जो है एक हमारे मेंबर हैं उन्होंने यहाँ पर ये बना के मुझे दिया था, तो इसलिए मैंने इसको इस्तेमाल किया था। तो उन्होंने सबसे पहले ही चैनल को ज्वाइन किया था, इसलिए मैंने यहाँ पर उनका बनाया हुआ थंबनेल जो है बिना किसी रिव्यू के यहाँ पर डाला था, मैंने यूज़ किया था। और मैं सारे मेंबर्स की लिस्ट यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको एक बार दिखा देता हूँ, सब लोगों को शाउट आउट मेरी तरफ से जिन लोगों ने चैनल को ज्वाइन किया और सपोर्ट कर रहे हैं। और भी लोगों को मैं कहूँगा कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, केवल 89 रुपीज़ में यहाँ पर आप चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट कर सकते हैं। राइट, ये ज्वाइन बटन है, इस पर क्लिक करें, 89 रुपीज़ आपके लगेंगे और जो है आर्ट वॉरियर्स कैटेगरी के अंदर आप ज्वाइन कर जाएंगे चैनल को, इससे चैनल को आप सपोर्ट कर पाएंगे। चलिए आगे की बात करते हैं। आज मैं क्या करने वाला हूँ कि और भी लोग इस तरह की मुझे थंबनेल्स वगैरह बना करके भेज रहे हैं, तो मैं उसका रिव्यू भी अपनी तरफ से करूँगा कुछ आपको, और कल मैं लाइव आऊँगा और कल दोपहर को मैं लाइव आऊँगा, उसके लिए मैं कौन सा थंबनेल यूज़ करूँ उसके अंदर से वो आप मुझे सिलेक्ट करने में हेल्प करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक कम्युनिटी फीड में जाकर के पोल डाल दूंगा और उस पोल में वो इमेजेस डालूंगा, जिस इमेज को ज़्यादा आप वोट करेंगे उस इमेज को कल मैं थंबनेल लगाऊंगा लाइव आने के लिए। राइट, तो मैं पहले एक बार देख लेता हूं जो जो मुझे आया हुआ है अभी। तो सबसे पहले पीयूष जैन का हम यहाँ पर काम देखते हैं। तो ये पीयूष जैन ने मुझे थंबनेल भेजे हैं दो, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों में जो है डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, एक तो यहाँ पर ये कलर यहाँ पर ग्रीन हो जा रहा है टेक्स्ट का, और दूसरा यहाँ पर ये बबल्स जो हैं इस तरह के क्लाउड में कन्वर्ट हो गए हैं, जो सिंपली यहाँ पर स्पीच बबल थे। ये ज़्यादा क्लीनर लग रहा है मुझे इसमें, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं एजेस के अंदर ये वाइट वाइट जो है कुछ रह गया है, प्लस इसमें इन्होंने 75 हार्ड यहाँ पर लिखा है, चैलेंज लिखा है, ये तो सारा इन्होंने थोड़ी मेहनत की है, एरोस भी लगाए हैं, तो ये सब किया है। मुझे थोड़े फॉन्ट बेसिक लगे, ये वाला फिर भी बेटर है, ये कमिंग सून वाला फॉन्ट काफ़ी बेसिक लगा। बाकी मेन इसमें यही इशू है कि जो मेरी शक्ल है वो मेरी शक्ल नहीं लग रही, ये इन्होंने ब्यूटिफिकेशन के चक्कर में थोड़ा सा मुझे अंग्रेज टाइप का बना दिया जैसा कि मैं दिखता नहीं हूँ। बट ओवरऑल इन दोनों में से मुझे ये वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है, जिसमें थोड़ा क्लीनर आउटपुट है। राइट, तो इसको फिलहाल इनमें से मैं इसको फाइनल करता हूँ, इसको मैं कम्युनिटी पोस्ट में डालूंगा, आप चूज़ कर सकते हैं इसमें से। दूसरे इन्होंने मुझे ये दो कवर आर्ट भी भेजे हैं। राइट, तो ये कवर आर्ट है, इसमें भी सेम इशू मुझे लगा कि ये शक्ल मेरी नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने आप को देखता ही हूँ, तो थोड़ा सा मतलब मुझसे रिजेम्बलेंस वाली शक्ल है पर ये मेरा फेस नहीं है एग्जैक्टली। बाकी इन्होंने यहाँ पर पूरी जो डिटेल लिखी है, निर्देशक राव यहाँ पर लिखा हुआ है, फिल्म मेकर लिखा है, तो निर्देशक राव जो लिखा है ये थोड़ा सा बैकग्राउंड से जैसे राव पिंक और के ऊपर रेड जो है वो थोड़ा ज़्यादा मर्ज हो गया, तो ध्यान से देखने में पता चलता है। नेक्स्ट जर्नी, और यहाँ पर इन्होंने कुछ यहाँ पर आर्ट भी लगाई है AI की, तो वो भी रिजेंबल करती है मेरे काम को। यहाँ पर इन्होंने कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ करने की कोशिश की है कि जैसे ये ब्लू और ये जो है येलो फायर, तो कूल एंड हॉट का कॉम्बिनेशन, तो ये थोड़ा सा इन्होंने शायद ज़्यादा तो सोच करके बनाई हुई चीज़ है ये। राइट, और सारे यहाँ पर मेरे अलग सोशल मीडिया के आइकन्स यहाँ पर लगा दिए हैं, फिल्म मेकिंग से रिलेटेड है, तो यहाँ पर इन्होंने ये क्लैपर बोर्ड लगा दिया है रील, और इधर जो है एडिटिंग के लिए रील कट होते हुए का साइन सिंबल जो दिखाया, तो काफ़ी इन्होंने मेहनत की यहाँ पर, लेंसेज के वो भी दिखाए हुए हैं ताकि मतलब मुझसे मिलता जुलता लगे। रिकॉर्डिंग का यहाँ पर सिंबल डाला है, और जो सेकेंड वर्जन है उसके अंदर ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये रिकॉर्डिंग वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा इसमें स्ट्रेच आउट है, बेसिकली इसमें नॉर्मल फॉन्ट है, इसमें थोड़ा स्ट्रेच कर दिया लेफ्ट साइड को, है ना। तो ये कवर आर्ट की इन्होंने ऑप्शन दिए, मेरी करंट जो अभी कवर आर्ट है वो ये है, आप देख सकते हैं, और मैं इन दोनों को साथ में खोल देता हूँ। तो इन्होंने मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट किया था कि ये कवर आर्ट मैं लगा दूँ, तो मैं इन्हें कह रहा था कि मैं शायद अभी नहीं लगा पाऊँगा, मुझे लग रहा है कि जो अभी मेरी लगी हुई है वो काफ़ी बेटर है। तो इन्होंने मुझे ये कहा था कि आप मेरे कम्युनिटी फीड में एक बार इसके ऊपर फीडबैक ले लें, अगर लोग कहेंगे तो लगा देना, अगर सबको नहीं पसंद आएगी तो आप रहने देना। तो मैं आप सबके सामने ये रख रहा हूँ इस चीज़ को कि यहाँ पर ये मेरी करंट कवर आर्ट है जो मैंने बनाई हुई है, और ये कवर आर्ट है जो इन्होंने मुझे दी है। तो अगर आपको लगता है कि ये कवर आर्ट बेटर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, इसको मैं पोल में नहीं डालूंगा, कमेंट सेक्शन में आप बता देंगे तो फिर मैं अगर कि भाई चेंज करनी चाहिए कि नहीं तो आप लिख देंगे कि यस, कमेंट सेक्शन के अंदर अगर लिखेंगे कि चेंज कर दूँ तो मैं ये वाली लगा लूँगा, और अगर आप लिखेंगे कि नहीं जो आपकी अभी है वो बेटर है तो वो जो है यहाँ पर लगी हुई है उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। राइट, मोहनीश साहू ने भी कुछ मुझे भेजी थी इमेजेस, तो उन्होंने पहले मुझे ये बनाकर भेजी थी, इसमें मैंने उनको बोला था कि ये फॉन्ट बहुत ही अनप्रोफेशनल है, तो ये लेट्स डिस्कस वाला फॉन्ट तो बहुत ही बुरा लग रहा था मुझे, इसलिए इसको चेंज करूँ। यहाँ पर इन्होंने कप के अंदर कुछ प्रीमियर द विंची और आफ्टर इफेक्ट्स के यहाँ पर लोगो डाले हुए हैं, तो दैट इज़ अनदर क्रिएटिव थिंग दैट दे हैव डन। फिलहाल जो है इन्होंने चेंज किया उसको, और यहाँ पर फॉन्ट थोड़ा चेंज किया, मैंने कहा अभी ये थोड़ा सा बैलेंस लग रहा है। इन्होंने और भी ऑप्शन मुझे दिए,
थोड़ा आर्ट के पीछे उन्होंने डबल काम किया, अभी भी मुझे थोड़ा प्रोफेशनल कम लग रहा था। फिर ये एक फाइनली उन्होंने भेजा, इसमें थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन वगैरह थोड़ा प्रो लग रहा है, ठीक है। पहले वालों में क्या था कि जो बैकग्राउंड कलर है और फोरग्राउंड है ये वैसे तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ब्लू और ऑरेंज, बट फॉर सम रीज़न यहाँ पर ये जेल नहीं हो रहे। अब इस केस के अंदर जो यहाँ पर है अब सारा एक ब्लू थीम टाइप, क्योंकि शर्ट भी ब्लू है, बैकग्राउंड ब्लू है, ब्लू के शेड्स के अंदर ये खेल रहे हैं। तो सिंगल कलर के साथ में जो है उसकी वेरिएशन लेकर के थोड़ी सी रेंजेस चेंज करके अब यहाँ पर एक कोहेसिव इमेज लग रही है। और कप के अंदर से वो प्रीमियर प्रो वगैरह हट गया है और यहाँ बैक साइड पे ये लोगो आ गया, तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगा। इन चार ऑप्शन में से मुझे ये सबसे बेटर लगा और बाकी जो हैं ये मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, ठीक है। तो दिस वन मैं ये वाला भी पोल में डाल दूंगा। समहाउ इसमें जो एजेस भी हैं फोटो जो कट की हुई है वो भी थोड़ी कम बुरी लग रही है, बाकी के अंदर थोड़ी एजेस ज़्यादा शार्प नज़र आ रही हैं, राइट। तो इनमें से ये वाला, ठीक है। और अगेन मेंटल मैडनेस ने दोबारा से बनाया, ये इनका पुराने वाला था जो आपने देखा था लास्ट टाइम, जो मैंने यूज़ भी किया था, काफ़ी अच्छा बना हुआ लगा था मुझे ये। मैं चाह रहा था इसको एनिमेट भी करने का कि ये बिटकॉइंस के जो वो हैं जो सिक्के बने हुए हैं इनको कॉइंस को मैं रोटेट करता हुआ एनिमेट करूँगा, और इसको मैं लाइव शुरू होने से पहले एक छोटी सी क्लिप बना करके यूज़ करने वाला था और ये पार्टिकल जो इनकोडता हुआ दिखाता, बट फॉर सम रीज़न मैं बिज़ी बहुत ज़्यादा चल रहा था तो मुझे टाइम नहीं मिला उतना करने का। बट नेक्स्ट टाइम अगर टाइम मिलेगा, कल वाले में भी मैं नहीं कर पाऊँगा, नेक्स्ट टाइम टाइम मिला तो मैं देखूँगा। अगर कोई ये भी करना चाहता है तो कर सकता है, मोस्ट वेलकम। आज की इन्होंने वीडियो के लिए मुझे अब नेक्स्ट वीडियो के लिए ये इन्होंने भेजा है। अगेन यहाँ पर इमेजेस मैंने थोड़ी सी प्रोवाइड इनको की थी जो मेरे पास पड़ी हुई थी, तो उनमें से ये सिलेक्ट करते हैं और यही इमेज उनको सबसे ठीक लगी तो उन्होंने दूसरी बार भी यही यूज़ किया। यहाँ पर इन्होंने बनाया थंबनेल के अंदर यहाँ पे अपवर्क का सिंबल डाला है, क्योंकि अपवर्क और फाइवर जो है यहाँ पर आप काम ढूंढ सकते हैं, तो इसके बारे में टॉपिक पर बात हो। अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन लोगों को मैंने किसी को भी कोई टॉपिक नहीं दिया, तो इन्होंने अपने दिमाग से ये चीज़ लिखी है सारी, अर्नड 100,000 इन जस्ट 4 वीक्स, ठीक है। अब इसमें ना इन्होंने रुपीज़ लिखा है, ना इन्होंने डॉलर लिखा है, ना इन्होंने व्यूज़ लिखा है, क्योंकि एक 4 हफ्ते के अंदर 100,000 व्यूज़ भी कमाए गए हैं, ठीक है। वो चीज़ ओपन एंडेड छोड़ दी है, YouTube का सिंबल बीच में डाला है, LinkedIn का यहाँ पे डाला हुआ है, इधर DaVinci Resolve का डाला है, तो बहुत ही बढ़िया सोच करके कोहेसिव इमेज बनाई है, और पीछे बहुत सारा पैसा है ना, नोट पड़े हुए हैं इस तरह से। तो ये एक मतलब ये अपने आप में थंबनेल जो है अट्रैक्टिव थंबनेल है, नंबर लिखा हुआ है, नंबर की वजह से ये देख करके लगता है कि बहुत बड़ा नंबर है, तो लोग इसके ऊपर जो है क्लिक करेंगे ज़्यादा, झूठ भी कुछ नहीं है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है मैसेज रिलेटेड भी हैं और मैं भी हूँ बीच में, तो ये मुझे बहुत बढ़िया लगा, ठीक है। इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन भी है वो वर्क कर रहा है, ठीक है, नॉट द बेस्ट बट येट इट इज़ वर्किंग वेरी वेरी वेल। इनका मुझे थोड़ा सा ज़्यादा रिसर्च लगा ये जो काम इन्होंने किया हुआ है, राइट। तो ये एक इमेज है जो ये भी मैं उसके अंदर डाल लूँगा। फिर आपको सिलेक्ट करना है कि दिस वन एंड इसके साथ में दिस वन एंड दिस वन, इन तीन में से कौन सा एक मतलब कल की वीडियो के अंदर होना चाहिए लाइव के लिए थंबनेल, कौन सा बेस्ट है, तो ये आपको चूज़ करना है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। और इनको मैं डाल ही देता हूँ इनफैक्ट अभी यहाँ पर, तो हमारी कम्युनिटी पोस्ट में जाकर के यहाँ पर इमेज पोल हम कर लेते हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, एक और ऑप्शन 3, और यहाँ पर हम इनको, तो ये तीनों को मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ, और यहाँ पर मेंटल मैडनेस वाला ऑप्शन 1 में डाल लेते हैं, ऑप्शन 2 में मोहनीश साहू वाला डाल देते हैं, ऑप्शन 3 में पीयूष जैन वाला डाल देते हैं। तो ये तीनों मैंने यहाँ पर ऑप्शन डाल दिए, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विच वन ऑफ दीज थ्री शुड बी द थंबनेल फॉर माय नेक्स्ट लाइव सेशन टुमारो, ठीक है जी। तो ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिया है, अब आप लोग को ये जो है चूज़ करना है इनमें से, राइट। मैं पोस्ट कर देता हूँ इसको, पोस्ट क्रिएटेड, इसे हम व्यू करते हैं, तो ये पोस्ट हमारी आ गई है यहाँ पर। अब आपको सिंपली अगर आप मेरे चैनल के ऊपर आते हैं तो आपको कम्युनिटी में जाना है, और यहाँ पर आपको ये पोल नज़र आएगा, इस पोल के अंदर जाकर के आपको चूज़ करना है इसमें से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, राइट। और कमेंट करके भी आप बता सकते हैं नीचे कुछ और चूज़ भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको चूज़ करना है कि इन दोनों में से कौन सी कवर आर्ट मुझे लगानी है, और जितना मुझे इसकी स्ट्रेच नज़र आ रही है मुझे लगता है मैं जब इसे लगाऊंगा तो कट भी हो जाएगी यहाँ पर कुछ। आप देख रहे हैं कि ये चौड़ाई में ज़्यादा है और ऊंचाई में कम है, ये वाली मेरे वाली जो लगी हुई है करंटली, और ये जो है थोड़ी सी मुझे लगता है जब मैं इसे लगाऊंगा ये पूरा स्ट्रेच करेगा इसको एंड टू एंड यहाँ से वहाँ तक, और ये चीज़ जो है या तो ऐसे कट जाएगी या नीचे वो कट जाएगी, थोड़ा सा ये कट करके यहाँ पे लगेगी।
राइट। तो आप बताएं मुझे मुझे इसे चेंज करना चाहिए या नहीं, ये मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख करके बताएंगे। मैं हो सकता है इसके अंदर जो है एक कमेंट खुद करके ना उसको पिन कर दूं, उस पिंड कमेंट के नीचे आपने बताना है ठीक है कि ये वाली मुझे यूज़ करनी चाहिए कि नहीं। जनरली भी आप करेंगे तो भी कोई बात नहीं, मैं उसको सारे कमेंट्स को आपको पढ़ लूँगा ठीक है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेंगे। अगर चेंज करनी हो तो लिख देना कि सर हाँ चेंज कर दो, पिंक वाली बेटर है, या फिर अगर आप कहते हो कि सर नहीं आपकी करंट जो है रेड एंड वाइट वाली वही ठीक है तो मैं फिर यही कंटिन्यू कर लूँगा राइट। तो आई थिंक मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली कर ली हैं, और डू गो एंड विजिट दिस पोल, इसको पोल को आप कीजिए। तो कल जब मैं लाइव आने वाला हूँ तो 2 बजे का टाइम मेरे हिसाब से ठीक है। अगर आपको लगता है कोई और टाइम भी आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में करें, बहुत ज़्यादा लेट का भी मत कीजिएगा ठीक है। 2 बजे और लास्ट से लास्ट जो है 6 बजे भी मैं आ सकता हूँ, अगर आपको लगता है कि उस टाइम तक आप अवेलेबल होंगे तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं, 2 बजे बेटर है आपके लिए या फिर 6 बजे बेटर है, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं ठीक है। उसका मैं अभी पोल नहीं बना रहा हूँ, अभी का मेन आज का पोल सिर्फ यही है। तो इमेजेस के ऊपर जाके बताइए कि थंबनेल कौन सा आपको ठीक लग रहा है, जो भी यहाँ पर जीतेगा मैं इसमें कोई भी बायस नहीं रखूँगा, जिसको ज़्यादा वोट मिल जाएंगे वही थंबनेल। अगर मान लो टोटल 3 ही वोट डले और तीनों को मतलब एक एक वोट डल गया तो मैं अपनी मर्जी से डिसाइड कर लूँगा, अदरवाइज़ किसी को भी अगर 2 वोट डल गए 3 में से तो फिर मैं उस इमेज को सिलेक्ट कर लूँगा राइट। तो आइए और वोटिंग कीजिए, कमेंट कीजिए यहाँ पर, और मिलते हैं कल के लाइव सेशन में। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना नोटिफिकेशन बेल दबा के, ताकि कल की जब वीडियो है आपको मिस ना कर पाओ, उसको लाइव का भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी सब सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पर दिए आपको पता ही है, लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब सब कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के लाइव सेशन में, तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।